डीजीएम का मतलब है डिजिटल डी, ये डिजिटल जे जो है ये जमात है, ठीक है मेरे भाई। मुझे तो मोदी बनने का मौका दो ना, प्राइम मिनिस्टर बनने का, फिर देखो। अभी आप मुझे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं उस सीट पे बैठा नहीं हूँ, जब मैं उस सीट पे बैठूंगा या सबसे पहले मैं आपको याद कर दूंगा। यहाँ पे इसमें रखा माइक है, माइक मुबारक साहबस इन आज तम एल ए तोर्मुत आलान कहबन मे सोन पे दोन पे कत दी हन गा दिम बहुत ची इशा तम सर्रहीम कल कौसर फसल रोपी कमान हर इन निशानिया कहुआ लबतर। अस्सलामु अलैकुम मैंने अजीजो बायो बेनो माजो अम तुंद खे अम गर्ज खे वान जन जे एंड के ड्यूटी अंदर सपदो यह लुकन इस्तेसाल समु आव कर तथा दूर कर साफ कर सोन नौजवान यह रूज नई रवान दवा नए कारवान खे पन पान कर सेटल ब्रो ब्रोहम तवीर बनने खे पन खा पूर कर खे वो तुम कोरो खास ख्याल कि ये वनुक तम कह असल मजूर वापस सबस जन डिस्ट्रिक प्रेसिडेंट बांडी पोरा चुनमुत ये वन डिस्ट्रिक्स अंदर कत जाए करीब कूर पेम यम सद निकाह खे प्रॉब्लम उसके निकाह हम कर देंगे तमिस खर्चा सीचीएम पान अवेयर तम सद ख वो किस तरह हम करेंगे, उस लड़की को मदद कैसे मिलेगा, ये दूसरे पड़ोसी को नहीं पता। जो हम यहाँ पे आए हैं आज इस एरिया में, जो यहाँ पे मोहर्रम मुकाम शुरू हो रहा है उस पर हमारे कैंप्स लगेंगे जिसमें पानी दवाइयात जूस वगैरह दस्तियाब होगा डीजीएम के वसादत के वजह से, और हम कुछ लाइटें देने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को आराम नशी हो ताकि वो आराम से शाम को भी अपनी मूवमेंट कर सके। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, जो यहाँ पे अभी मैंने कुछ बुजुर्ग देखे बात करते हुए कि लोन निकालेंगे भरेंगे कहाँ से, गवर्नमेंट की बात ध्यान दी, पैसा उसे मिलता है खुदा इंडस्ट्रीज है वो लोन के अंडर काम करती है। अनिल अंबानी खरबों में उसको लोन है कश लोन रटन खेमो कप यह खान कह अर कर अत रोप जो रोपये बनानी यह पन रोपये कर दारस वापस अल्लाह ताला वन दपा तुम करू कुछ चीज नियत मदद करो वाता यह बदलवानी दिमाग मे लोन से जुलम नई गलत इस नौजवान बिहित आज तम स्कीम प्रोवाइड गम लक्षा पांच साल सब्सिडी अगर सो मुनसपलटी हदूद तहत अगर ब्लॉकस अंडर आह तृह सास रुपये सब्सिडी। आप लोग पहले अपने आप को अवेयर करो, तु करू गो पन पान तैयार इन काम खे सबसे बड़ी चीज है दुनिया में नियत नियत बन नत सुबह बुथा छोलन खुदा की मजदी दूर दान चेन चाय वो तो द्राव अत बरकत तु पको खुदा हुद करीब कदम सह पक कदम आज मोज बेन कूर वन गे मोन मुश्किल अंग्रेज बत मशीन ती चाय मशीन ती सुबह वथान लागान त्राश कुकर पुलगा बत गो तैयार सू बिस्मिल्लाह छोक बिस्मिल्लाह बरकत बिस्मिल्लाह ईमान ये जमान मकलो आज खुदा सहल कर लूक वा मशीन गस वो बत तमिस इसलिए तुम रू अवेयर अगर कम करें अगर कह मकसद समल मज अन यम सो पको तुम दा गमेंट पोस यमिस शेड तमिस दा मकान पोस मगर यार उसके लिए आप अवेयर तो कम से कम हो जाओ
गोड़ करू तुम पान ते सानी कोशी घर मिहित माजी घर मिहित ये टॉफी दुकान पे कन्ने तमिक कवरक यूनिट खोलो टॉफी को कवर करो अपने पैसे कमाओ क्या जल्दी मोहताज आज सब वक्त कह पे रोज मालिस माज मोहताज आज का डेट है खुद कमाओ खुद खाओ इसलिए डी सी एम दी तुम अख वसादत ये तुम रूजी त सपद और इनशाला दुनिया मे पकन तौफीक त मिले और इनशालाहमान हर मुमकिन मदद रोज तुम कहान जन तुम शबीर सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बॉडी पोरा चुनमुत यम कर अवेयर कुन कुन जाए लेबर दफ्तर यम जन लेबर प्रॉब्लम आम इशू कर तम सालव यम दिन तुम फार्मस तम करू कम्प्लीट मदद कर वो खुदा तम पे करो बहुत मदद मगर तुम तू रूजू अवेयर अच्छी चीज खुन अर खुद करुन असि गरीब कोर हद खुद क्या कर तुम वाई सान कन तेख तुम दरख्वास बेरोजगारी से बेरोजगारी कथ दूर अम खुद खोलो अस यूनिट वायरिंग यो तार अनान अंकल चिप्स नबर पे हम वो यूनिट लॉन्च करेंगे लेकिन आप लोग पहले खुद अवेयर हो जाओ काम करने के लिए आज वसन टंग कह कह नौ तुम एम एल ए तुम ऐसी तुम वाला आज थो आई एस तहत केस बन बह बह वरी गई चौदह वरी गई तिमन चुन सेर फोल त लगान कुन जाए यम ये सरकार ये जन पी डी पी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तुल अने दुह बन कगर इन यु पान नबर इन लगान छलस मह अगर ईमानदार आक नीति सम आम आसान वह कल थो तुत प्रोटेस्ट कर तुद खुद मगर यमो कोर सो पे खुद यह करू तुम वेरीफाई यह मे वन जरूरत कह कर तिम सख्त बराबर इन यमो करोड़ वह रुपये इलेक्शन खुद दुन इसलिए अस ना तुम्हें वोट जरूरत ना वोट खुद आम आम तुम मदद कर खुद सिर्फ करू पन पान अवेयर कि कित पको ब्रो पानस मुझे इससे सल ग कह बाकी अगर कंस कह सवाल सह कर जवाब दिन खुद तैयार मलिकपुरा दरगाम आए हैं इस रीज़न से आए हैं कि जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान है शबीर अहमद भट्ट साहब और फयाज साहब है हम चाहते हैं कि जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मसाइल है जो अभी तक इस्तेसाल हुआ है जो काम ऐसे इनके अधूरे पड़े हैं चाहे वो आईएवे केसेस है या मेडिकल केसेस है हम चाहते हैं कि डीजीएम के माध्यम से उन्हें ऐसी एक सहूलियत फराम हो इन्हें ऐसा लगे कि वाकई हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है शबीर अहमद जो यहाँ पे वर्क कर रहा है इस वर्क का इन्हें भरपूर बेनिफिट मिलेगा और जो हमारे शिया तबके के भाई है उनको हम यहाँ पे मुहर्रम मुकाम पे लाइट्स वगैरह और पानी वगैरह जूस मेडिसिन वगैरह हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कहीं कैंप हम लगवाएंगे इसमें हम हर तरीके से इनके लिए सहायता करने के लिए तैयार हैं जो मसाइल से मैं आगाह हुआ हूँ ख़ास तौर पर यहाँ पे गरीबी के आलम में लोग हैं यहाँ पे इनको मकानों की परेशानी है घर नहीं है इनको मैंने इनको हायर किया है 40 केस जो भी मेरे अजीज़ फयाज साहब ने बोला कि फ़ोन पे मेरे साथ बात हुई है तो 40 केस में इन्हें ये हायर कर दूँगा थ्रू फाउंडेशन अम्बेडकर साहब के नाम से और इसमें कुछ एनजीओज भी हमें मदद करेंगे जिसकी वसादत से हम इन्हें दो कमरे किचन बनाने के लिए हर वक्त अवेयर रहेगी लेकिन चल मुझे टाइम नहीं लगेगा मुझे सिर्फ इनके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इसमें हमें इंतखाब चाहिए और जो महल कमेटी होगी उनका लिखा हुआ हम पे होना चाहिए तो हम ये प्रोसेस सॉरी फॉर डेट उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं जो सर्कल मुझे आगे से बना हुआ मैं उसके बाहर काम नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल डीजीएम जो है ये गरीबों के लिए क्रांतिकारी लाई है ये गरीबों को अवेयर करेगी पहले इन्हें खड़ा करेगी उसके बाद इन्हें लड़ना है उस काम से इन्हें अवेयर होना है अपने आप के लिए वो कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते लेकिन उनके ऊपर मरकज विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो एक्चुअली घोटाला मैन है उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं आप देखिए आज के डेट में इन्हें कहीं मीटिंग होती है मरकज की तो इन्हें चौहेदानी में फंसाया जाता है इन्हें नज़रबंद किया जाता है तो ये जैसी करनी वैसी बरनी है ना भाई इन्होंने आवाम को इस्तेमाल किया अब ऐसा मरकज़ में हुकूमत आ चुकी है जो इन्हें यूज एड थ्रू करती है डिस्पोजल तो सबसे पहले हमारे जितने भी अगर कोई एमएलए या कोई कैबिनेट मंत्री बना उसे टाइपराइटर गले में होगा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी वहीं पे सेस पर वहीं पे डिसमिस जो जैसे भोगेगा वैसे पाएगा। CKDF कोमल डिफेंस फोर्स
उससे डी काम क्या कोई भी डिग्निटी नहीं रोक सकती है। हम कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मोहरम मुकाम पे अपना कैंप लगा सकते हैं। मेरी बहन, आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, मैं पहले अवेयर करना चाहता हूँ एक चीज़ से। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक डिमांड की थी आज से 2 महीने पहले। मेरे जो अजीज़ है ये शिया बरादरी के लोग, मैंने इनके लिए एक शरीयती बोर्ड अलग मांगा था, वक्फ बोर्ड, जिसके ऊपर हम पे प्रेशर भी आया, लेकिन हमने फिर भी उस पिटीशन को वज़ीर आज़म के पास भेजा है, हज अवकाफ मिनिस्टर के पास भेजा है। हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल हमारी दौड़ इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, इन्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक तो माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ, और अमित शाह जी से मिलने जा रहा हूँ, हज अवकाफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ, राजनाथ सिंह से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी आम दरबार लगाए हैं आवाम के लिए, ये मैं पूरा प्रोवाइड करूँगा हार्ड कापी उनके सामने, और जो भी मेरा वहाँ पे मुलाकात होगा वो बाई लाइव होगा इंशाल्लाह रहमान मीडिया के वसादत से। और ये कश्मीर के आवाम, जम्मू के आवाम इस बात से अवेयर होंगे कि वाकई DGM का जो अवामी दरबार है ये किस हद तक सही है। इंशाल्लाह जहाँ तक मैं ज़िंदा हूँ और अगर मेरी कोई पार्ट हुकूमत आई तो ये सिलसिला चलता रहेगा जो बाकी पीछे किया है सियासतदानों ने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है ऑल ओवर डिपार्टमेंटों में, इन्हें नंगा करने के लिए हर वक्त दरबार लगा रहेगा। अभी मैंने माननीय मंत्री को लिखा है कि जो यहाँ पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके सैलरी के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाए, उन्हें देखा जाए उनका बैग क्या था और ये कहां से कहां पहुंचे, वो अनकरीब इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू होगा। इसके लिए मैं NI को भी लिखूंगा और CBI को भी लिखूंगा, CID J&K UT को भी लिखूंगा, CIG सीट को भी लिखूंगा, और उसमें चाहे वो पुलिस का बड़ा मुलाजिम हो, पुलिस ऑफिसर हो, या आर्मी का हो कश्मीरी, या यहाँ का सिविल डिपार्टमेंट से हो, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करवा देंगे। अगर माना जाए DG का मतलब, DGM का मतलब है डिजिटल, डी ये डिजिटल जे जो है ये जमात है। मुझे तो मोदी बनने का मौका दो ना, प्राइम मिनिस्टर बनने का, फिर देखो। अभी आप मुझे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं उस सीट पे बैठा नहीं हूँ, जब मैं उस सीट पे बैठूंगा या सबसे पहले मैं आपको ही आप कर दूंगा। अभी हमारे जो ये शबीर साहब है, या मलिक साहब है, या हमारे फयाज साहब है, या हमारे नजीर साहब है इस डिस्ट्रिक्ट के जो हाजन से है, अगर मुझे ऐसा लगा कि ये सचमुच लोगों के लिए काम करने में मसरूफ़ है, आवाम को फ़ायदा मिला, खुदा हाजिर नाजिर जान के इन्हें मैंडेट दिया जाएगा, तन मन धन से इन्हें मदद किया जाएगा और ये खड़े हो जाएंगे, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल ये बनाएंगे। बिल्कुल, ये आप देखिए, अभी आपने बरज़ला मैंने दौरा किया था आज से पहले 8 दिन, आपने सुना होगा मैंने मौके पर ही डॉक्टर की पिटाई की, क्योंकि वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था तो वक्त पे वो वहाँ पे नहीं था, वो लाया गया उधर। इसलिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी मेडिकल की कई कमी हो आप हमें बताइए, हम आला एडमिशन से बात करके वो सुधार सकते हैं। सर ये जो अच्छा क्वेश्चन किया, ये कोई अनिल कपूर की फिल्म नहीं है जो क्वेश्चन किया, ये मुझे अच्छा लगा, दरबार में पूछा है आपने। हार्ड वर्क इज़ बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर इससे साल हुआ, यहाँ आप देखिए J&K UT के अंदर जो भी मुलाजमीन है, सफाई करने वाले से लेकर जो डिग्निटी है, किसी हर एक के पास गाड़ी है, ये गाड़ी आई कहाँ से? हम इनकी वो पूरी जांच पड़ताल कर देंगे, कार्रवाई वही खत्म। اہن حظ اہن حظ ٹھیک तीन हिसाब अगर
कलिन शाल बाफी तो फर्द सस्ती कम इन तिन शोट शेडस मज रोजान तम सम सद ख दिन त्रे त्रे लच रोपये जिस तिन शेडस मज वाकई आसान तस अन तमी जमीन सोन दोन मलर पा डायन मलर पा मलरस पे तमिस अन तम इंतखाब तमिस क्या वन त्रे लच रोपये तरन तमिस मदद यह आल इंडिया इंस्टीट्यूट एन जी ओ अख चलान सारे हिंदुस्तान मुल्कस मे यह आल इंडिया कुे दफ्तर गुजर सिर्फ इन कागज कर प्रोवाइड क्या आह इलेक्शन कार्ड बेहतर शहरस मे रोजान रुपये त्रे त्रे लक्ष मद कर अमुक इंतखा यद यह बसान एबजेक्शन राय गवर्नमेंट एबजेक्शन तमिस पज बंद बे कारबार खतरा आ।